और आप देख सकते हैं किस तरीके से बांके बिहारी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ पे जनता का हुजूम उमड़ा हुआ है और लगातार दर्शन चल रहे हैं। आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, आप कह नहीं सकते इतना अच्छा लग रहा है। पहली बार आई है? चार बार आ चुके हैं। सामने आइए, उसमें 15 लाख से ज्यादा भक्त जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सुरक्षा के लिए मथुरा और वृंदावन को 5 जोन और 30 सेक्टर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दर्शन करके कैसा महसूस हुआ? खूब अच्छा, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। हमने ऐसा मंदिर पहली बार देखा है। आप पहली बार आए हैं यहाँ पे? हम फर्स्ट बार आए हैं। बहुत अच्छा लगता है, हम लास्ट ईयर भी आए थे, आते रहते हैं यहाँ पे, हर साल आनंद आता है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल गदगद हो गया है एकदम। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात। अपना उत्तर प्रदेश, मैं विवेक आपके साथ में। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इस वक्त हमारी टीम और मैं वृंदावन में मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से जन्मोत्सव के इस पावन शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की पूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी है। श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आज ये श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। और सबसे कमाल की बात है कि गुब्बारे से और हर तरीके से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए पूर्ण रूप से ये मंदिर सजाया गया है। और अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 15 लाख से ज़्यादा भक्त जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सुरक्षा के लिए मथुरा और वृंदावन को 5 जोन और 30 सेक्टर में बांटा गया है। और शुक्रवार यानी कि आज के दिन सुबह 5:30 बजे श्री कृष्ण जन्मस्थल पर मंगला आरती भी हुई है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बांके बिहारी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ पे जनता का हुजूम उमड़ा हुआ है और लगातार दर्शन चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शासन प्रशासन से लेकर के हर कोई यहाँ पर लगातार लगा हुआ है तैयारी में। और बात की जाए तो सोने बैठने उठने की हर तरीके से व्यवस्था है। वहीं योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की भी मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस शहर को बहुत कुछ खास देने वाले हैं। और आज के दिन वो दोपहर को 1 बजे आएंगे जहाँ पर वो इस शहर को यानी कि वृंदावन को जो है बहुत कुछ खास सौगात देने वाले हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन में और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की जो तैयारी है वो बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। आज का दिन जो है वो एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनने वाला है क्योंकि अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और इस वक्त करीब 12 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस वक्त यहाँ इस वृंदावन शहर में हैं। आज की बात की जाए तो आज इस श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए जो तैयारी है वो बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। आप देख सकते हैं एक साइड से लोग दर्शन करके आ रहे हैं, दूसरे साइड से लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से जो है आज इस जगह पर लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। सबसे कमाल की बात है कि यहाँ पे आज योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का 3 घंटे तक इस शहर में रहने का पूरा कार्यक्रम बना हुआ है। और उस कार्यक्रम की बात की जाए तो वो आज के दिन अन्नपूर्णा रसोई जो कि यहाँ पर उसका उद्घाटन करने आए हैं। और उसमें सबसे कमाल की बात ये है कि इस अन्नपूर्णा रसोई से 5,000 श्रद्धालु हर दिन मुफ्त में भोजन कर सकेंगे। उस पर तमाम बातचीत करेंगे, आज पूरे वृंदावन में हम घुमाएंगे टहलाएंगे लेकिन लोगों से यहाँ बातचीत कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? जय श्री बारी। कहाँ से आई हैं आप? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से, महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र से। तो स्पेशल भगवान श्री कृष्ण के लिए आई हैं? हाँ, जन्मोत्सव सेलिब्रेट करने। ओ, फर्स्ट टाइम आई है या इससे पहले? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको वृंदावन आके, बहुत अच्छा। आज अभी दर्शन करने जा रही हैं? नहीं, आए जब दर्शन करके आए हम, पहले भी गए थे और आज भी आए हम। अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, सब बहुत सगुण भगवान का दर्शन हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से? हम वहाँ से आए हैं, कानपुर से। कानपुर से, तो स्पेशल दर्शन करने के लिए? स्पेशल दर्शन करने के लिए बिहारी जी के। अच्छा, तो आज ही आई हैं आप? हम कल आए थे। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, आप कह नहीं सकते इतना अच्छा लग रहा है। पहली बार आई हैं? चार बार आ चुके हैं, चौथी बार आए हैं। आपका नाम? आए मैं प्रतिभा प्रभाकर छत्रे। आप कहाँ से आई? औरंगाबाद। औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। तो पहली बार? हाँ, पहली बार आई। कैसा लग रहा है वृंदावन? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दर्शन करके कैसा महसूस हुआ? खूब अच्छा, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ से चले 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 चलते रहते हम। हाँ, अभी 7 दिन यहाँ रुके हम, भागवत सुन के जा रहे। आप लोग भागवत सुन के? हाँ, हम कल 11 बजे जाएंगे कल। अच्छा, 7 दिन? 7 दिन से आप लोग? 7 दिन से ही आए। अच्छा, हो और भी फैमिली के लोग आ रखे? हो रुके उधर। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आइए और भी लोगों से बात कीजिए। सांवरलाल, कैसा लगा? कहाँ से आए वैसे आप? बीकानेर, राजस्थान से। बीकानेर, राजस्थान से। कैसा लग रहा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव है भगवान श्री कृष्ण का? बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, हमने ऐसा मंदिर पहली बार देखा है। आप पहली बार आए हैं यहाँ पे? हम फर्स्ट बार आए हैं सर। पहली बार? फर्स्ट बार आए हैं। क्या मनोकामना थी भगवान? यही मनोकामना थी पूरे स्वास्थ्य सही रहे और
और जो भी पारिवारिक जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी हो, सब तो आज रुकने का प्लान है या दर्शन करके? रुकने का प्लान है हमारा, हम मथुरा जाएंगे, कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे। आपका नाम? भावेश सांगला। कहाँ से आए आप? बीकानेर, राजस्थान से। कैसा लग रहा है आज इस मथुरा, ये वृंदावन की नगरी? सर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ के। रजनी बाला। कहाँ से आई हैं आप? सुनाम, पंजाब से। पंजाब से आई हैं। कैसा लग रहा है पंजाब से आकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाए? बहुत अच्छा लगता है, हम लास्ट ईयर भी आए थे, आते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, हर साल आप आनंद आता है। हाँ, तो पंजाब से यहाँ पे आती हैं आप, तो क्या मनोकामना थी भगवान श्री कृष्ण से आज? वो कान्हा जी को पता होता है, वो अपने आप ही दे देते हैं। अच्छा, हाँ। बाकी योगी जी भी आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, कुछ खास होगा? योगी जी को जानती हैं? हाँ जी, हाँ जानती हूँ मैं उनको। हाँ, अच्छा है, आना चाहिए यहाँ पे, सबको आना चाहिए। हाँ, बिना मांगे सब कुछ मिलता है यहाँ से। क्या नाम है भैया आपका? सुनील कुमार। कहाँ से आए आप? एटा से। एटा से, एटा से। एटा से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, दिल गदगद हो गया है एकदम। तो क्या लग रहा है, रात भर रुकने की तैयारी है? भैया बिल्कुल रुकेंगे, जब एटा से आए हैं, कल के आए हैं, आज जन्माष्टमी का पूजन देख के उसके बाद ही जाएंगे। अच्छा। बिल्कुल कल सुबह निकलेंगे। देखो योगी जी आ रहे हैं, योगी जी के लिए क्या कहेंगे? थोड़ा साइड आ जाइए। बड़ा हमारे लिए तो इससे सौभाग्य की बात हो सकती है, जो कम से कम उन्हें हम दर्शन सामने से करेंगे, अभी तक तो हमने सामने से देखा ही नहीं है उनको। सामने से नहीं देखा? नहीं भाई, हमने नहीं देखा है। बाकी क्या कहना चाहेंगे, आज वो 5000 मुफ्त जो खाना डेली खिलाया जाएगा, उसके लिए अन्नपूर्णा रसोई का उद्घाटन करने आ रहे, तो उसको लेके क्या? बहुत बहुत अच्छी बात है, इससे बेटर और क्या हो सकता है, गरीबों का भला होगा। जो गरीब जो शाम को भूखा सोता है, कम से कम उसकी तो मतलब पेट भर के सोएगा। उनकी जो भी सोच है बहुत अच्छी है। हमें योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ही मुख्यमंत्री की जरूरत हमारे देश को।